Morning students, in previous class we read our first chapter of history and we read about many topics like changing names of land, sources, archaeological sources, literary sources. Today we continue our chapter with regional literature. Regional literature means pradeshik jo sahitya hai. आप दो रीजन्स के बीच में मान लो हरियाणा और राजस्थान के बीच में कंपैरिजन करते हो तो उनके कपड़ों में भी चेंजेस आता है, उनकी लैंग्वेज में भी चेंजेस आता है. तो यही क्या है, रीजनल डिफरेंस है. और इसी के अकॉर्डिंग विभिन्न रीजन्स में विभिन्न विभिन्न लिटरेचर्स पैदा हुए, जैसे कि तमिल, तेलुगु, पंजाबी, ओरिया, असामी, इन सारी लैंग्वेजेस में, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस थी और इन सारी लैंग्वेजेस के अंदर बहुत सारे जो लिटरेचर लिखे गए, बहुत सारे साहित्य लिखे गए. जैसे जयदेव ने गीत गोविंद लिखा, चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो है, और जो कन्नड़ पोइट है उन्होंने लिखी पंपा एंड बसवाना. ओके, नाउ वी रीड आवर रिलीजियस लिटरेचर. रिलीजियस लिटरेचर में है धार्मिक साहित्य जो था. ड्यूरिंग दिस पीरियड द टू ग्रेट संस्कृत एपिक्स रामायण एंड महाभारत वर ट्रांसलेटेड इन टू वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस. इस टाइम पे क्या हुआ, जो अपने ग्रेट संस्कृत के एपिक हैं, ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत, उनको बहुत सी रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, प्रादेशिक भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, जैसे कि कन्नड़ में, हिंदी में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में इनको ट्रांसलेट किया गया. और इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे पोइट थे जिन्होंने विभिन्न विभिन्न लैंग्वेजेस में विभिन्न विभिन्न पोएम्स लिखी और जो हमें उस टाइम की जो इन्फॉर्मेशन देती है. देखिए ये पिक्चर है, रामायण का एक सीन है जिसके अंदर सीता और श्री राम है. ओके, अब है कैलीग्राफी. कैलीग्राफी इज ए डेकोरेटिव राइटिंग. कि कैलीग्राफी क्या है, बहुत ही डेकोरेटिव राइटिंग है, एक सुंदर राइटिंग है जिसको बड़ा सजा सजा के लिखा जाता है. जैसे कि हम आपको कई बार कहते हैं कि बेटा बहुत सुंदर राइटिंग करनी है और आप अपनी नोटबुक को डेकोरेट भी कर लेते हो, अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज को डेकोरेट करते हो और उसके अंदर सुंदर सुंदर लिखते हो कि सब्जेक्ट सोशल साइंस, नेम, क्लास, तो वही क्या है, कैलीग्राफी है वो. ठीक है, अब है आर्चिवल रिकॉर्ड्स. आर्चिवल रिकॉर्ड्स वो होते हैं कि राजा महाराजाओं की पॉलिसीज, उनका जो प्रशासनिक पॉलिसीज थी, या किन राजाओं के बीच में संधियां हुई, कौन से राजा ने कौन से नियम निकाले, किस राजा के काल में कैसा कर का सिस्टम था, तो ये सारे जो गवर्नमेंट जिन रिकॉर्ड्स को अपने पास सेव करके रखती है डॉक्यूमेंट्स को, उनको कहते हैं आर्चिवल रिकॉर्ड्स. अब है ओरल ट्रेडिशन. ओरल ट्रेडिशन का मतलब होता है जो ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा और ओरल मतलब मौखिक. तो हम अपनी परंपराओं को मौखिक रूप में, मान लो आपके पूर्वजों ने जो आपको कोई बात बताई तो वो बात उनको भी तो उनके पूर्वजों ने बताई होगी. मान लो जैसे कह बताते हैं कि मीराबाई का ही कोई आप वो ले लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए, तो मीराबाई का जो हमें हमारे पेरेंट्स या हमारे दादा दादी हमें उनकी कोई कहानियां सुनाते हैं या कोई गीत वगैरह हम सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं, तो उससे हमें जो कुछ पता लगता है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो चीज़ें ओरली पास होती रहती हैं एक दूसरे के पास, उसी को कहते हैं ओरल ट्रेडिशन. अब है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब है पुरातात्विक सोर्स. मतलब जैसे कि पृथ्वी के अंदर पुराने टाइम की जो भी दबी हुई चीज़ें हमें मिलती हैं, जो हम खुदाई करके निकालते हैं, उनको आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं. जैसे कि हमें पुराने टाइम के मटके के टुकड़े मिल जाएं, कि कोई कपड़े के टुकड़े मिल जाएं, तो वो सारे क्या हैं, किसी गहने मिल जाएं, खिलौने मिल जाएं, किसी पुरानी बिल्डिंग, कोई पुरानी बिल्डिंग की कोई दीवार मिल जाए, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ मिल जाए, तो ये सारे क्या हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो हमें पास्ट के बारे में बताते हैं. उसके बाद है इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो भी कोई रिटन रिकॉर्ड में हमें मिलता है तो उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं. और पुराने टाइम की जो हिस्ट्री है या जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं राजाओं के आपस में, या उनकी सोशल कंडीशंस हैं, सामाजिक आर्थिक कंडीशंस हैं, जो हमें लिखित रूप में मिलती है,
कि किसी राजा ने कौन सा टेंपल बनवाया, कौन सा गांव बसाया, या किसी शहर के कौन राजा थे, उनकी कैसी पॉलिसीज थी, ये सारी जब हमें रिटर्न रिकॉर्ड में मिलती हैं तो उनको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स वेरी वेल एंड वी रीड आवर रिमेनिंग टॉपिक्स इन नेक्स्ट क्लास. नाउ वी डू आवर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द क्लोथिंग स्टाइल दैट कम इन टू बींग इन द मिडाइवल पीरियड. कि मिडाइवल पीरियड के अंदर लोगों के जो कपड़े पहनने की, कपड़ों की जो स्टाइल थी वो क्या थी. ठीक है, तो कल हमने रीड किया था कि सलवार कमीज, कुर्ता पजामा, जरदारी, एम्ब्रॉयडरी, तो ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी वही इसका आंसर है. द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्लोथिंग स्टाइल दैट केम इन टू बींग इन द मिडाइवल पीरियड वॉज सलवार कमीज, कुर्ता पजामा, जरदोजी, एम्ब्रॉयडरी. आवर सेकेंड क्वेश्चन इज वट डिड द पेंटिंग डेपिक्ट. कि जो पेंटिंग बनाने का जो एक, जैसे कि हम आपको एक बार कह दें कि फ्लावर के ऊपर आपको पेंटिंग बनानी है तो उसकी थीम क्या होती है, तो पेंटिंग बनाने की जो थीम थी उसके पीछे पेंटिंग बनाने का जो उद्देश्य था वो क्या था. तो आंसर है द पेंटिंग डेपिक्ट थीम्स लाइक कोर्ट सीन्स, पैलेस सीन्स, मिथोलॉजिकल टेल्स एंड हंटिंग सीन्स. दिस इज द आंसर ऑफ आवर सेकेंड क्वेश्चन. ओके, आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमिस्टमैटिक. कि ये क्या होती है, सिक्कों की जो, सिक्कों के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उसी को न्यूमिस्टमैटिक कहते हैं. न्यूमिस्टमैटिक रेफर्स टू द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड दिस स्टडी इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग एंड एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमी एंड द पॉलिसीज ऑफ द मिडाइवल पीरियड. तो आप इसको इतना भी लिख सकते हो कि न्यूमिस्टमैटिक रेफर्स टू द स्टडी ऑफ कॉइन्स. और अगर आप ये स्टडी इम्पोर्टेंट क्यों है तो आप इसको आगे भी लिख सकते हो. ये अपना थर्ड आंसर है. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज नेम द मोन्यूमेंट्स दैट केम इन टू बींग ड्यूरिंग दिस पीरियड. कि उन इमारतों के नाम लिखिए, ऐतिहासिक इमारतों के नाम लिखिए जो इस काल में बनी. तो अपना आंसर है द पुराना किला, रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दिल्ली, ताजमहल इन आगरा, बृद्धेश्वर टेम्पल इन तंजौर, हवा महल इन जयपुर. ठीक है, तो ये आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है. आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज फ्रॉम विच वी हैव बीन एबल टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड. कि कौन कौन से आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है जिनसे हम इस टाइम की इंफॉर्मेशन लेते हैं. तो क्या क्या आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं, अभी हमने पढ़ा इंस्क्रिप्शंस हैं. तो क्या है अपना आंसर, अभी मैंने बताया था इंस्क्रिप्शंस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, पेंटिंग्स हैं और न्यूमिस्टमैटिक्स हैं जो हमारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो हमें मिडाइवल पीरियड की स्टडी करने में हेल्प करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर एंड एक्सरसाइज वेरी वेल. We read our remaining chapter in next class and we do our long question answer in next class. Thank you.